आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल सॉफ्ट दम मुंह में घुल जाने वाला दही भल्ला। और दो तरह से बनाएंगे, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और अभी होली का त्यौहार आ रहा है तो इस सीजन में मतलब अभी सबके घर में बनता ही बनता है दही बड़ा होली पे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप क्या यहाँ कि आप किस जगह से देख रहे हैं, कहाँ वहाँ पे कैसे क्या बनता है, ये चीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ बहुत बनता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ बनता है। तो धीरे धीरे मैं सारा वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो होली में बनने वाला एक ये दही भल्ला भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उड़द का दाल भी ली दाल ले लिए हम। इसे हम भिगो कर रख देंगे 3 से 4 घंटा, बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे गर्म पानी में 2 घंटा भी फूलने दीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से फूल जाता है। तो यहाँ इसे हम अच्छे से धोकर साफ कर कर तब मिक्सी के जार में ले लिए हैं और पानी भी डालेंगे। पानी डालकर इसका हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। इतना बारीक होना चाहिए कि मतलब सूजी जैसा हाथों पे दरदरा लगना चाहिए, एकदम मैदे जैसा पेस्ट नहीं बनाना है हमें, हल्का दरदरा होना चाहिए। तो सबको हम जितना भी उड़द दाल था सब पीस लिए हैं और एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल हल्का नमक डालेंगे, क्योंकि दही भल्ला में ऊपर से भी नमक जाता है, तो इसीलिए एकदम थोड़ा सा नमक डालेंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये गाढ़ा है तो थोड़ा और पानी डालेंगे हम और इसे फेंटेंगे लगातार। तो आप इसे चम्मच से या हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स कितना देर करना है, मतलब करते करते आपको पता चलेगा ये थोड़ा फ्लफी हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे एकदम फूल गया है ये, पहले और अभी में अंतर बुझा रहा होगा, आपको अंतर पता लग रहा होगा, पहले जैसा नहीं है। तो चलिए यहाँ तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है और अब वो फूल चुका है। यहाँ पर हम एक बाउल में पानी लेंगे और पानी में हाथ भिंगा कर तब इस बड़े को डालेंगे, क्योंकि उड़द का दाल बहुत ही चिकना होता है, मतलब चिपचिपा होता है, तो हाथों में चिपक जाता है, तो तेल में अच्छे से गिरेगा। इसीलिए हाथों को थोड़ा सा पानी में डीप कर लेंगे, भिंगा लेंगे, तब हम इसे छोटा छोटा बाउल तेल में डालेंगे, गोल गोल छोटा छोटा बॉल बनाकर। अब इसे डालने के बाद देखिए ये सीधे डबल साइज का हो जा रहा है, एकदम फूल के देख पा रहे होंगे कितना छोटा छोटा हम डाले थे और फूल कर एकदम बड़ा बड़ा हो गया है। तो इस तरह अपने आप तेल में जाते ही ये फूल जाता है। इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और उसके बाद उलट पुलट कर इसे हल्का कलर आने देंगे, तब इसे निकालेंगे। ये गोल्डन हो जाएगा फ्राई, तब देखिए इसे हम निकाल लेंगे, अच्छा कलर आ चुका है। तो साढ़े बड़े को हम इस तरफ फ्राई कर लेंगे और पहले एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो बाकी आधा बचा हुआ है उसे हम दूसरे तरह से बनाएंगे। तो जो बाकी बचा हुआ है उसमें डालेंगे हम यहाँ बारीक काटा हुआ अदरक, धनिया पत्ता, हरा मिर्चा और थोड़ा सा हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो आधे वेटर को हम उस तरह डालकर बनाएंगे, उसमें मिक्स कर लेंगे। आधा को हम सादा बनाए हैं बिल्कुल प्लेन, सिर्फ नमक डालकर, और आधा में हम ये सब चीज़ों को डालकर बनाएंगे, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये बन चुका है आधा। अब हम वो मसाले वाला बनाएंगे, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप कोई भी तरीका से बनाएं। तो हम दोनों आधा आधा बनाएंगे। तो देखिए आप इसे सूखा भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो इस तरह हम बीच में ये इसका शेप अलग कर दिए हैं, बीच में छेद करके उंगली से, और डालते समय इस तरह छेद कर लेंगे हाथों पे ही। तो देखिए ये भी एकदम फूल कर बड़ा हो गया है। तेल में डालते ही एकदम फूल जाता है। तो इसे भी हम उलट पुलट कर सेक लेंगे, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बना लेंगे। और गैस का फ्लेम अब मीडियम कर लेंगे। तो इसे भी देखिए अच्छा कलर आने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो उधर हम एक साइड रख दिए हैं उसे अच्छा से क्रिस्पी होने के लिए। तब तक इधर हम बाकी जो बचा है वो काम कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में एक पानी गर्म करेंगे और उसमें नमक और हींग डालेंगे, और बाकी बड़े जो फ्राई किए थे पहले से उसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। और वो पानी जो हींग वाला है, हींग और नमक का हल्का गर्म पानी है, उसे इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए पानी को हम इस बाउल में डाल दिए हैं गर्म करके, और इसे ढक कर हम छोड़ देंगे। तब तक इधर ये भी फ्राई हो चुका है। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बना है, कलर से ही देख पा रहे होंगे आप। इसे ऐसे भी खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में, और बाकी सारे भी उसी तरफ फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बाकी सब जो है उसी तरह हम मसाला वाला फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना ऊपर से क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। तोड़ कर भी दिखा रहे हैं आपको अंदर से। देखिए एकदम जालीदार बना है, एकदम जालीदार। पानी में डालते ही एकदम फूल जाता है। अब यहाँ हम ये दही लेंगे, ये गाढ़ी दही है, इसमें पानी नहीं डालेंगे हम, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए इसका अच्छा मिक्स कर लिए हैं चम्मच से। अब ये जो फूल चुका है, ये 2 घंटा हो चुका है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, फूल कर एकदम बड़ा हो गया है। उसके बाद इसको हम हाथों से दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका पानी हम इस तरह दबा दबा कर निकाल लेंगे। हींग और नमक का पानी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और उड़द का दाल है तो इसे आप ज़रूर डालें। तो इस तरह हम सारा हाथों से निचोड़ कर पानी निकाल लेंगे, और ये फेटी हुई दही में डाल देंगे। आपको अगर मीठा दही पसंद है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। हम बिना कुछ डाले हुए बनाएंगे। दही में चीनी या नमक डाल देने से खाने समय ही आप डालिएगा। अगर पूरे में डाल देते हैं तो डाल देने से मतलब दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। तो देखिए इस तरह हम मिक्स कर लेंगे दही भरे को। कितना अच्छा फूल गया है देख सकते हैं आप। हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर दिए, ये टूट रहा है। तो देखिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कभी भी पूरे दही में नमक ना डालें, नहीं तो दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर से डालेंगे हम सारे मसाले। तो देखिए यहाँ पर दही भी डाल दिए हैं, और ऊपर से ये डालेंगे हम ग्रीन चटनी। हरा धनिया का ग्रीन चटनी है ये, और ये इमली की चटनी है। इसका रेसिपी भी पहले डाला हुआ है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद चाट मसाला, काला नमक सब डाल देंगे हम। तो देखिए कितना चटपटा टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला है ये। एकदम फुला फुला स्पंजी बना है। तो देखिए आपको हम काट के भी दिखा रहे हैं।
देख सकते हैं अंदर कितना जाली है, एकदम जालीदार बना है। इसी से पता चलता है कि एकदम फुला हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। देख सकते हैं आप, अंदर अगर जाली नहीं रहेगा तो फूलेगा नहीं और बारा हार्ड बन जाएगा। तो इस तरह आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और आप होली के त्यौहार पे क्या क्या बनाने वाले हैं तो आप कमेंट